पहले बात भोपाल की, जहां कांग्रेस के मिशन 66 पर दिग्विजय सिंह दिख रहे हैं, तो मिशन 66 की तैयारी दिग्विजय सिंह करते नजर आ रहे हैं। दिग्विजय हारी 66 सीटों को जीतने के लिए अब दौरे कर रहे हैं, ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, विधानसभा क्षेत्रों का अब दौरे करेंगे, वहां पर जाके लोगों से बातचीत करेंगे और जो भी कमी है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो दिग्विजय हारी 66 सीटें जिताने का अब जिम्मा दिग्विजय सिंह पर है, ये बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। 2 जून को 17 फरवरी को जो अभियान था वो पूरा हो जाएगा, 17 फरवरी से अभियान शुरू हुआ था और 2 जून तक वो अभियान अब पूरा हो जाएगा। 66 में से कम 33 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है और ये बड़ी जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह पर है। इन सीटों पर लंबे समय से कांग्रेस हारती आ रही है, तो इन सीटों पर फोकस रहेगा और इस मिशन का नाम है मिशन 66, मिशन 66। कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर बैठकर चर्चा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, कहां कमी है उसको ढूंढने की कोशिश की जाएगी। स्थानीय के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी, मुद्दे उठाते दिग्विजय सिंह नजर आएंगे। और चलिए मिशन 66, मिशन 66 पर बंसल न्यूज के भी कई सवाल हैं जो सामने आते हैं। क्या इस मिशन पर दिग्विजय सिंह कामयाब हो पाएंगे? कांग्रेस के खेवनार यानी कि रक्षक पालन बन पाएंगे? क्या कांग्रेस 66 सीटों पर हार का सिलसिला इस मिशन के जरिए तोड़ पाएगी? और क्या कांग्रेस को दिग्विजय के नेटवर्क का फायदा मिलेगा? क्योंकि काफी समय से सियासी इस जगत में एक बड़े वरिष्ठ चेहरा माने जाते हैं दिग्विजय सिंह, ऐसे में क्या इस नेटवर्क का फायदा कांग्रेस उठा पाएगी? ये वो सवाल हैं जो इस मिशन के चलते खड़े होते हैं। तो क्या दिग्विजय सिंह कांग्रेस के खेवन हार बन पाएंगे? 66 सीटों पर जो हार का सिलसिला है वो टूटेगा और क्या कांग्रेस को दिग्विजय के नेटवर्क का फायदा मिलेगा? और चलिए इस खबर पर अधिक विश्लेषण के लिए हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। शरद जी, देखिए कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह का एक भारी नेटवर्क तो है ही, लेकिन ये मिशन 66 कितना कामयाब होने वाला है और कितनी मदद कांग्रेस को मिल पाएगी? देखिए ये सारी चीजें नतीजे जब आएंगे तभी साफ होगी प्रगति। और निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह बहुत ही अनुभवी कैंपेनर है, वो पार्टी के संगठन को, नेताओं के गणित को, स्थानीय परिस्थितियों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। और ये वजह है कि पिछले चुनाव में भी उनको जिम्मेदारी जो दी गई थी नर्मदा परिक्रमा के बाद करीब 100 से अधिक सीटों का एक फीडबैक लेकर वो ऐसा माना जा रहा था कि वो लौटे हैं। तो ये कहना अभी तो बहुत जल्दबाजी है, लेकिन बीजेपी भी इन 66 सीटों को लेकर बहुत सतर्क है, उसकी भी तैयारी अपने स्तर पर चल रही है। फर्क इतना है कि एक कार्डर बेस्ड पार्टी में बहुत सारी चीजें सामने नहीं आती हैं, भीतर भीतर काम चलता रहता है, और कांग्रेस एक आंदोलन की पार्टी है, वहां चीजें बहुत साफ होती हैं, समझ में आती हैं। इन 66 सीटों पर लेकिन इस बार जीत और हार का दारोमदार दोनों पार्टियों का टिका है, क्योंकि अगर यहां पर बीजेपी अपनी लीड बरकरार रखते हुए कांग्रेस के प्रभाव वाली दूसरी सीटें इन 66 सीटों के अलावा भी उन सीटों पर जहां वो हारती रही है वहां भी अगर वो अपनी परेशानी को दूर करके वो आगे बढ़ती है तो उसका एडवांटेज उसे मिलेगा, और अगर कांग्रेस ये कामयाबी हासिल करती है तो ये एडवांटेज उसके खाते में। अब देखते हैं क्या दिग्विजय सिंह अपनी 2018 की भूमिका को बिल्कुल उसी रूप में लेकर आगे बढ़ पाएंगे, नतीजे हमें बताएंगे जो दिसंबर में आएंगे। बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी ये मिशन 66 कितना कारगर साबित होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी तमाम चर्चा के लिए। तो देखिए ये मिशन 66 जिस पर दिग्विजय सिंह का फोकस रहेगा और जो भी हारी सीटें रहेंगी उन पर जीत पाने की पूरी कोशिश करते हुए दिग्विजय सिंह अब नजर आने वाले हैं, क्योंकि यहां पर ताबड़तोड़ दौरों का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा।